डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 161, ये बहुत ही बहुत अच्छी वर्कआउट है आपके लिए। ठीक है, आप अपने फैमिली में किसको क्या बुलाते हैं वो सारी चीजें हम सीखेंगे, और यहाँ पर लिखना भी है। ठीक है, उसे इंग्लिश और हिंदी, लग मैं हिंदी में ज्यादा बताऊंगा आपको, क्योंकि आप कंटिन्यू हिंदी में ही उसे बोलते हैं, और इंग्लिश के कुछ वर्ड्स भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है थिंक एंड राइट, थिंक मीन सोचना और लिखना, तो यहाँ पर होगा सोचो और लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर सोचकर अपने यहाँ पर फील करना है। ओके, पेरेंट्स की हेल्प लगेगी यहाँ पर। आई कॉल माई फादर, आई कॉल, कॉल मीन्स होता है बुलाना, माई फादर मीन्स आप सभी जानते हैं। ठीक है, आई कॉल माई फादर मीन्स होता है मैं अपने पापा को बुलाता हूँ, फादर को बुलाता हूँ। तो अपने फादर को आप किस क्या बुलाते हैं, यदि आप डैडी बुलाते हैं तो यहाँ पर डैडी लिखना है, पापा बुलाते हैं तो पापा लिखना है। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं आई कॉल माई फादर, पापा और डैडी, जो भी आप बोलना चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से आई कॉल माई मदर्स फादर, सॉरी फादर्स मदर, I call my father's mother. My father's mother means होता है मैं अब मेरे पापा के मम्मी को, तो अपने पापा के मम्मी को क्या बोलते हैं आप, दादी बोलते हैं, तो यहाँ पर दादी लिख सकते हैं। ग्रैंड मदर भी इंग्लिश में ग्रैंड मदर बोलते हैं और हिंदी में दादी बोलते हैं। ठीक है, ग्रैंड मदर मीन्स दादी। ओके, तो यहाँ ग्रैंड मदर भी बोल सकते हैं या फिर दादी बोल सकते हैं। I call my father's father. I call my father's father. Father's father का मतलब पापा के पापा, तो पापा के पापा क्या बोलते हैं, दादाजी। हिंदी में आप दादाजी बोलते हैं और इंग्लिश में ग्रैंड पा बोलते हैं, तो यहाँ पर ग्रैंड फादर या ग्रैंड पा या दादाजी लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, I call my father, यहाँ पर डैडी या पापा। I call my father's mother, दादी या ग्रैंड मदर। आई कॉल माई फादर्स फादर, दादाजी या ग्रैंड फादर। ओके, आई कॉल माई सिस्टर, आई कॉल माई सिस्टर, एस आई एस टी, सिस्टर मीन्स बहन। आप अपने बहन को क्या बुलाते हैं, दीदी, यहाँ पर आप दीदी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर दीदी लिखे। आई कॉल माई ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई, ब्रदर मीन्स भाई, तो आप अपने भाई को क्या बोलते हैं, भैया, तो यहाँ पर भैया लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ब्रदर, हिंदी में भैया। ओके, माई मदर्स फादर इज माई, माई मदर्स फादर मतलब मेरे माँ के पापा इज माई, यहाँ पर आप नाना जी लिखेंगे। आप मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं, नाना जी ना, तो नाना जी लिख सकते हैं। ठीक है, माई मदर्स मदर इज, अपने मम्मी के मम्मी क्या बोलते हैं, नानी जी, तो यहाँ पर आप नानी जी लिख सकते हैं। ठीक है, माई फादर सिस्टर इज, अपने पापा की सिस्टर को क्या बोलते हैं आप, बुआ जी, तो यहाँ पर बुआ जी लिख सकते हैं। ओके, माई मदर सिस्टर इज, आपके मम्मी के बहन को क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं ना, तो आप यहाँ पर मौसी लिख सकते हैं। ठीक है, माई आंट्स डॉटर इज, माय आंट्स, आंटी मतलब आपकी चाची या मामी या कोई भी हो, उनकी जो बच्चे होते हैं, बेटी होगी उसको आप सिस्टर ही बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसे कजन सिस्टर बोलते हैं। आपकी आंटी की जो डॉटर होगी उसे कजन सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कजन सिस्टर लिखें। सारी चीजें दोबारा रिपीट करें और उसे समझने की कोशिश करें और लिखें यहाँ पर, और वैसा ही बोला करें आप भी। कलर द पिक्चर, यहाँ पर इस पिक्चर को कलर करना है। ठीक है, बहुत मजा आएगा इसमें। हेयर को ब्लैक कलर में करें और जैसा जैसा दिख रहा है और इस तरीके से आप कलर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और इसको कलर करने के बाद फोटो खींचकर आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, ये आपके लिए वर्क दिया है मैंने, इस बात का ध्यान रखें और इसकी स्टडी बहुत अच्छे तरीके से करें। पेरेंट्स से पूछ सकते हैं किसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में भी। ठीक है।